मध्य प्रदेश स्टेट कराटे चैंपियनशिप में मेडल जीतकर नीमच का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को आज जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने कलेक्टर कार्यालय पर आमंत्रित कर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। उल्लेखनीय है कि इंदौर में 13 मई को आयोजित हुई मध्य प्रदेश स्टेट कराटे चैंपियनशिप में नीमच के साथ खिलाड़ियों ने जिले का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें महेश नायक ने सीनियर कैटेगरी में सिल्वर मेडल, आयुष चौधरी ने जूनियर कैटेगरी में सिल्वर मेडल, सुहानी मेहता और श्वेता शेखावत ने जूनियर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसके अलावा ललिता लखेरा, करण राठौर और सूरज सिंह ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। बताते चले कि नीमच जिला कराटे संघ नीमच के द्वारा पिछले 30 वर्षों से रेलवे स्टेशन के प्रांगण में कराटे प्रशिक्षण का शिविर लगातार आयोजित हो रहा है, जिसमें करीब 100 बच्चे कराटे की ट्रेनिंग लेते हैं। नीमच जिला कराटे संघ से प्रशिक्षित जय सिंह लोधा और राजू खंडेलवाल ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल हासिल किए हैं। खिलाड़ियों की सफलता में नीमच जिला कराटे संघ के मुख्य प्रशिक्षक जयप्रकाश लोधा, अध्यक्ष रतनलाल निर्माण और सचिव मनोज सिंह लोधा की सराहनीय भूमिका रही है। खिलाड़ियों की सफलता पर नीमच के खेल प्रेमियों ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित कर बधाई दी है। देखिए, यहाँ के बच्चे जो हैं मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं और बहुत सारे मेडल और सर्टिफिकेट लेकर ये लोग अभी नेपाल में और अन्य जगहों पर जो प्रतियोगिताएँ हुई हैं उसमें इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आज मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनके कोच भी हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरा ऐसे सभी बच्चों से जो मार्शल आर्ट सीख रहे हैं ये संदेश है कि वो लोग अच्छे से अपने इस विधा को सीखें, इससे ना सिर्फ मतलब वो शारीरिक रूप से मजबूत रहते हैं बल्कि उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो अपने काम को अच्छे से करने की क्षमता भी उनमें पैदा होती है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि कई स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं बच्चे और कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं। कुछ बच्चियाँ अपने जॉब के साथ ये सब कंपटीशन लेवल मेंटेन करना एक बड़ी बात है। ऐसे सारे बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और जो लोग सिखा रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।